Hey guys, good evening. This is Paulami and welcome to my channel Bifocal Zindagi. कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो. मैं भी अच्छी हूँ. अभी शाम के 7:15 बज रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे. और मेरा यहाँ पे भगवान जी का दियाबाती करना भी हो गया है. गई थी शाम में, निकली थी, थोड़ा टहल के आई हूँ और आके फिर पूजा भी कर लिया. अभी तो डिनर विनर बनाना है. मोनोजीत भी ऑफिस से निकल गया है, आ जाएगा. तो अभी सोच रही हूँ, सबसे पहले मेरा ना बहुत सारा, मतलब बहुत बहुत सारा कपड़ा जमा हुआ है उस घर पे. तो उन सबको धोया था बहुत सारा, तो वो सब फोल्ड करना है. और उसके बाद आज ना मैं एग बनाऊंगी, तो वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाऊंगी ब्रोकली के साथ. तो उसका भी प्रिपरेशन करना है, काम है आज बहुत सारा. और सोचा ब्लॉग को भी शुरू कर देती हूँ, आप लोगों के साथ बातें करते करते सारा काम भी हो जाएगा. आज डिनर में बनाने का प्लान है एग करी, वो भी ब्रोकली के साथ. इसलिए मैंने फ्रिज से ब्रोकली वगैरह निकाल लिया, सब्ज़ी जो भी चाहिए मुझे. और यहाँ पे एग को मैं अभी बॉयल करने के लिए रख रही हूँ. तो एक तरफ एग बॉयल होगा, एक तरफ मैं ब्रोकली को काट के थोड़ा सा पहले पानी में बॉयल कर लूँगी. और उससे क्या होता है, बाद में जब मसाला अच्छे से कस जाएगा ना, तो बॉयल्ड ब्रोकली एंड बॉयल्ड एग डाल के एक साथ में बना दूँगी तो जल्दी से बन जाएगा. इसलिए मैं थोड़ा सा पहले इसको सोच रही हूँ बॉयल कर लूँ. और साथ में मैं आज बनाऊंगी जो फ़िश का हेड है, रोहू फिश का हेड है घर पे, तो उसका एक पतला सा करी बनाऊंगी आलू डाल के. और मेन डिश मेरा आज यही है, ब्रोकली एग. ये मोनोजीत के दिमाग से निकला ये डिश, तो उसने बोला था बनाने के लिए, तो वही मैं अभी बना रही हूँ. तो ये देखिए, इसको बॉयल होने के लिए रख दिया. इधर अंडा भी बॉयल हो रहा है. तो बीच में मैंने सोचा कि बहुत सारा कपड़ा जम गया था, बहुत सारा कपड़ा एक साथ धोई थी मैं, तो वो सब फोल्ड करना नहीं हुआ था. तो अभी वो उधर वो सब बॉयल होते होते मैं इधर कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ, एक काम ख़त्म हो जाएगा. और देखिए ना कितना सारा कपड़ा है. कपड़ा धोना एक काम, उसको सूखने डालना एक काम, और उसको आने के बाद फोल्ड करना ये और एक काम. ये मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है, कपड़े को फोल्ड करना और अपने अपने जगह पे रखना. पर क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो घर एकदम गंदा दिखता है. तो अभी मैं इन सब को पूरा सेट कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी जो डिनर है वो बनाने के लिए. इस तरफ देखिए फ़िश हेड फ्राई हो रहा है, और साथ में मैंने इसको आलू डाल के बनाऊंगी, इसलिए कि उसमें आलू भी काट कर रख दिया है. और साथ में मैं अंडे की करी के लिए जो मसाला चाहिए, प्याज लहसुन अदरक, ये सब अभी रेडी कर रही हूँ. अंडे को भी मैं अभी छील लेती हूँ एक एक करके. और मुझे ना एकदम क्लीन होके जो छीलना होता है ना, वो पसंद आता है. कभी कभी होता भी नहीं है, किसी किसी अंडे में देखना आप, छिलका निकालने में बहुत तकलीफ़ होता है. लेकिन थैंक गॉड इस बार मेरा नहीं हुआ, बहुत अच्छे से बॉयल हुआ था, तो आराम से मैं इसको क्लीन करके निकाल लेती हूँ. यहाँ देखिए अंडे को मैं बीच से थोड़ा सा चीरा लगा रही हूँ नाइफ़ के साथ. ये मैं हमेशा करती हूँ. इससे क्या होता है, अंडा जब ऑयल पे छोड़ूंगी ना फ्राई होने के लिए, तो ये फूट के नहीं आएगा. और इसलिए मैं ऐसे करके देती हूँ हमेशा, और ये बहुत ज़रूरी है करना. तो अभी क्या कर रही हूँ, तेल पे पहले हल्दी नमक डाल के थोड़ा सा अंडे को लाल लाल करके फ्राई कर लूँगी. हल्का सा फ्राई होने पे ना करी खाने में बहुत अच्छा लगता है. और ये थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हो गया है, तो अभी इसको निकाल लूँगी और उसी ऑयल पे मैं जो बॉयल्ड ब्रोकली है उसको डाल दूँगी, और थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के ब्रोकली को भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी.
ब्रोकली भी फ्राई हो गया है, तो अभी कढ़ाई में फिर से मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने यहाँ पे एकदम बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया। मैंने इस मशीन में काटा है प्याज को एकदम बारीक करके, ताकि बहुत अच्छा एक मसाला बने इसका। तो प्याज डाल दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर अदरक लहसुन को ग्रेट करके रखी थी तो वो डाल दी। इसको मिला दूँगी और अच्छे से इसको भूनना है। तो अभी मैं एक साथ इसमें टमेटो भी छोटा छोटा करके काट के रखी हूँ, वो भी डाल दे रही हूँ। और अच्छे से मिला के पहले थोड़ा सा नमक दे दूँगी ताकि ये जल्दी से गल जाए। और मैंने दो तीन हरी मिर्चा भी डाल दिया है इसमें। और अभी देखिए नमक डाल दिया मैंने। नमक डालने से क्या होता है, ये जल्दी से पक जाएगा टमेटो प्याज ये सब। और अभी जो सूखे मसाले हैं वो सब डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी मैं डाल रही हूँ ताकि कलर अच्छा आए। और अभी इसको अच्छे से मिला के हल्का सा पानी डाल के मसाले को बहुत अच्छे से भूनूंगी ऑयल ऊपर आने तक। मसाला अच्छे से भुन गया है तो अभी मैं इसमें जो फ्राइड ब्रोकली है उसको डाल दिया, अच्छे से मिला दूंगी। और उसके बाद जितना ग्रेवी रखना है उस हिसाब से पानी डालूंगी। बहुत ज़्यादा ग्रेवी मैं इसमें नहीं रखूंगी, थोड़ा सा सूखा सूखा ही बनाने का प्लान है तो थोड़ा सा ही ग्रेवी मैंने डाला है। और अभी एग जो बॉयल करके रखा है ना वो सब भी इसमें डाल दूंगी, और डाल के ढक के 5 मिनट के लिए रख दूंगी तो ये बन जाएगा। तो जब तक कारी बन रहा है तब तक मैं जो भी अभी तक जितना भी बर्तन गंदा हुआ है वो सब धो ले रही हूँ। तो ये मशीन वगैरह जिसमें मैंने चॉप किया था प्याज वगैरह, ये सब कुछ धो के, मिक्सी मशीन वगैरह सब कुछ धो के, उसके बाद मैं किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। चावल भी धो के रख दूँगी तो रात में राइस बनाने टाइम आसानी हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे मेरा कड़ी बन ही चुका है। मैं एक बार फिर से इसको ढक्कन हटा के मिला देती हूँ और बहुत जल्दी से ये बन गया और खाने में भी अच्छा ही लग रहा था। तो आप ट्राई कर सकते हो इस डिश को, थोड़ा सा अलग है लेकिन खाने में अच्छा ही लगता है। ये देखिए इसका फाइनल लुक। खाना बन गया मेरा और राइस भी रेडी करके रख के आई हूँ। अभी मोनोजीत का इंतज़ार करती हूँ, वो आएगा तो डिनर करेंगे। बहुत गर्मी लग रहा है, पता नहीं आपको फ़ैन का आवाज़ आ रहा है कि नहीं, फ़ैन चला दिया। मुंबई में तो मतलब अभी पूरा गर्मी होना स्टार्ट हो गया है, मुझे लग रहा है और 15-20 दिन बाद तो पूरा गर्मी पड़ जाएगा। मतलब ठंडा भी इतना दिन था और अचानक से गर्मी होना शुरू हो गया है। तो अभी ना कुकिंग करने में बहुत तकलीफ़ होता है, मतलब एक तो पसीना होता है बहुत, और एक होता है ना ठंड के टाइम में कितना भी मुझे काम दे दो मैं आराम से करती थी, लेकिन गर्मी में तो हालत ख़राब होने वाला है। तो क्या करें, करना तो पड़ेगा ही, काम है, पेट है, खाना भी बनाना पड़ेगा, घर में काम है तो करना ही पड़ेगा। और जैसे ही गर्मी पड़ना शुरू हुआ ना, आप ये देखिए मेरे यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे कैसे दाने निकल आए हैं। तो मेरी मम्मी ने कल एक दवाई बोला था तो मैं वो लेके आई, लेकिन आज तक लगाना ही नहीं हुआ। तो अभी सोच रही हूँ थोड़ा लगा के रखूँगी तो थोड़ा कम हो। बहुत दर्द है इनमें और अंदर अंदर ही है ये, तो पता नहीं गर्मी के कारण हो रहा है कि क्या है। तो अभी तो देखती हूँ, बैठ के थोड़ा टीवी देखती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ, मेनली वर्ल्ड का क्या चल रहा है वो सब देखती हूँ। मनोजीत आए तो फिर डिनर विनर करेंगे, तब आपसे मिलेंगे फिर से। अभी हम लोग करेंगे डिनर और ये मनोजीत भी आ गया है, और आज तो आपके साथ शेयर किया है ब्रोकली एग, ब्रोकली चिकन बना, अभी ब्रोकली एग, ये इसी के दिमाग से ये सब निकलता है। तो मुझे बोला बनाने के लिए तो मुझे जैसा आया वैसे ही मैंने बना दिया, पता नहीं कैसा हुआ है, खा के बाद में बताएंगे आपको। और क्या भूख लगा है? बहुत ज़्यादा। तो दो दो कड़ी मैंने बनाया है, अभी जल्दी से हम दोनों डिनर कर लेते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है। आप भी खा लो, होपफुली आपने भी खा लिया होगा। सो दिस इज़ आवर डिनर मेनू, ब्रोकली एग और यहाँ पे फिश है आलू डाल के कड़ी और राइस, सिंपल सा ही है और अच्छा भी है।
डिनर हो गया तो एज़ यूजुअल मैं सारा बर्तन वगैरह धो के अभी किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। सुबह के लिए फिर से तैयारी आप बोल सकते हो। ये किचन क्लीन रहेगा तो सुबह आके काम करने में मुझे आसानी हो जाएगा। तो इसलिए अभी बर्तन वगैरह सारा कुछ धो के जो गैस स्टोव है वो सब मैं अच्छे से पोछ डालूँगी, काउंटर टॉप वगैरह सब कुछ क्लीन करके उसके बाद चली जाऊँगी। अभी हो रही है सोने की तैयारी, तो मैं फेस वॉश वगैरह करके आ गई हूँ। और अभी जो एक दवाई मम्मी ने बोला था ना, वो मैं अभी लगा रही हूँ। मेरे मुंह पे जो दाने आए हैं उसमें बहुत दर्द है, इसलिए वो लगा के रख रही हूँ। ओवरनाइट रहेगा तो शायद थोड़ा कम भी हो जाए, कल सुबह फिर से लगाऊँगी सोच रही हूँ। तो बस यही है, डिनर हो गया हमारा और अभी मैं फ्रेश होके किचन विचन साफ करके सब कुछ करके मुँह हाथ धो के फ्रेश होके आ गई। और ये देखिए दवाइयाँ लगाई हूँ मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द है। तो मम्मी ने एक दवाई बोली थी वो मैं लेके आई थी, तो अभी वो लगाई हूँ। मम्मी बोली है कि कम हो जाएगा उससे, देखती हूँ अभी कितना दिन लगता है इसको कम होने में। बहुत दर्द है इसमें, ये तो फूल भी चुका है बहुत ज़्यादा, ये भी यहाँ। तो चलिए अभी तो सोने की तैयारी है, बहुत रात हो चुकी है, अभी सो जाऊंगी क्योंकि कल सुबह फिर से उठना है। सुबह सुबह बहुत जल्दी, अभी मोनजीत बहुत जल्दी ऑफिस जा रहा है तो बहुत जल्दी उठना पड़ता है। अंधेरा रहता है यहाँ पे तब मैं उठ जाती हूँ, 6 बजे उठ जाती हूँ, 6 बजे यहाँ पे एकदम अंधेरा रहता है, तो इसलिए जल्दी सोना भी ज़रूरी है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ, कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल में नए हो पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और उसके पास जो बेल बटन है उसको भी हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए एंड कीप वॉचिंग। बाय, फोकस जिंदगी।